नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। होली के पर्व पर बाजारों में बिकने वाले रासायनिक रंग एवं गुलाल के उपयोग से हानिकारक प्रभाव होता है। इस समस्या से निराकरण और स्थानीय ग्रामीणों की वैकल्पिक आय में वृद्धि के लिए रीवा वन विभाग के कुछ वन कर्मियों ने नए प्रयास किए हैं। वन मंडल के रीवा परिक्षेत्र अंतर्गत टीकर बीट की प्रभारी सुश्री ज्योति मिश्रा ने वन क्षेत्र में पलाश के गिरे हुए फूलों को एकत्रित करवाया। उसके उपरांत उनको साफ करवा कर रंग निकलवा कर हर्बल गुलाल बनवाया। रीवा वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस होली इसी इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल का उपयोग करेंगे। इससे स्वास्थ्य एवं त्वचा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नवाचार में ज्योति की मदद उनके सहकर्मियों गोपाल शरण त्रिपाठी, संदीप गौतम एवं राजेंद्र साकेत ने की। इसी तरह का प्रयोग रीवा वन मंडल के सिरमौर वन परिक्षेत्र अंतर्गत पटेहरा सर्किल में बरदहा घाटी क्षेत्र में भी किया गया। पलाश पुष्पों के संग्रहण के प्रोत्साहन के लिए दीपक गुप्ता बीट गार्ड पटेहरा एवं वीरेंद्र सिंह बीट गार्ड लुक का योगदान सराहनीय रहा। इस वर्ष सिर्फ प्रयोगात्मक रूप से पलाश के फूलों के रंग से हर्बल गुलाल बनवाया गया है। आगामी समय में इस प्रयास को बड़े स्तर पर किया जाएगा और विपणन एवं निर्यात के प्रयास भी किए जाएंगे। जहां पाउडर मिलाई तो